AI17 inch 2000 watt का मोटर जो मैंने पल्सर 150 को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए ख़रीदा था, इस पर पल्सर के पीछे से जो टायर था वो लीक निकाल कर मैंने इस पर सेट किया मैकेनिक की हेल्प से। सेट करने के बाद कैसे देख रहा है आप देख लीजिए खुद ही। ये टायर का नंबर है 100/90-17, 17 इंच का ये टायर है। अच्छी तरह से सेट हो गया लेकिन चौड़ाई थोड़ा कम हो गया। कोई बात नहीं, फिर भी इससे कम चला लेंगे हम। इस साइड पे 3 होल है, इस पे हम डिस्क ब्रेक लगाएंगे। इस होल को साइड व्यू से कैसे देख रहा है आप देख लीजिए खुद ही। कुछ प्रॉब्लम नहीं देख रहा है मुझे। टायर का नंबर आप देख लीजिए खुद, 100/90-17। ये TVS का टायर है जो मेरे पल्सर के रियर व्हील में थे, वो अब मैंने इस पर लगा लिया, सेट कर लिया। चलिए हम दूसरे साइड को भी देख लेते हैं। इस साइड पे देख लीजिए, यहाँ पर एक्सेल में से वायर निकाला है। यहाँ पे एक होल है जिस होल से मोटर का वायर निकाला। आप जब इस व्हील को सेट करेंगे तब ख्याल रखिए कि ये जो होल वाला पार्ट है ये नीचे की तरह रहे ताकि इसमें वाटर नहीं घुस सके। इस रिम को देखिए, इस व्हील का जो फिनिशिंग है ये बहुत अच्छे तरह नहीं है, रेडीमेड है ये। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये चाइना मेड है, चाइना से ही मैन्युफैक्चर हुआ था। और आप इसका देख कर भी सब समझ जाएंगे कि सच में चाइना ही है। एक्सेल का साइज आप खोद देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, मैंने मेजर करके आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए ये लेफ्ट साइड पर 3 इंच से थोड़ा ज़्यादा लंबाई है एक्सेल। चलिए अब हम राइट साइड पे देखेंगे। अब देख लीजिए राइट साइड पे भी 3 इंच, लेकिन राइट साइड पे 3 इंच से थोड़ा कम है। लेकिन इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे पल्सर में अच्छी तरह से सेट हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।